बीजेपी के दो विधायक आमने सामने आ गए हैं। केवटी से बीजेपी के विधायक ने अलीनगर से बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें छवि खराब करने, झूठा आरोप लगाने और घिनौनी साजिश करने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि अलीनगर से बीजेपी के विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे ने केवटी से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा पर शराब बेचने और शराब पीने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उसने सोशल मीडिया के जरिए यह आरोप लगाया कि इसके बाद केवटी विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। इस घटना को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है और पार्टी की किरकिरी हो रही है। मालूम नहीं है जो प्राथमिकी क्या दर्ज हुई है इस संबंध में। मतलब मुरारी मोहन झा जी केवटी के विधायक हैं और केवटी हमारा जन्मस्थल है। वैचारिक टकराहट हो सकती है लेकिन केस क्या हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है। पता करते हैं उसके बाद। जन आंदोलन की बात किया है तो मुझ पर FIR की। विधायक जी, मैं मिश्रीलाल यादव का बेटा हूं, दो दो बार उस पंचायत से मुखिया हूं जहां से आप विधायक हैं। आपके कृपा से धीरज ज्यादा राजनीति नहीं कर रहा है। क्योंकि के आप आवाम गरीब गुरबा क्योंकि के खेत खलिहान में काम करने वाले नौजवान साथियों के विश्वास पर अडिग होकर के राजनीति कर रहा है। आपके FIR से धीरज ज्यादा डरने वाला नहीं है। बहादुरपुर थाने का ये मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें केवटी के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने एक FIR दर्ज कराया है, कंप्लेन आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट, कुछ डिफेमेटरी पोस्ट किए जा रहे हैं। कांड को दर्ज कर लिया गया है। FIR संख्या 279/23 है, अनुसंधान की जा रही है। बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने थाने में दिया आवेदन में कहा है कि 18 मई को मेरे खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट किया गया और केवटी के पंचायत समिति सदस्य के पति मोहम्मद इकबाल अंसारी के शराब के कारोबार में साथ देने का आरोप लगाया गया। फिर 23 मई को भी धीरेंद्र कुमार धीरज ने मेरे खिलाफ अनर्गल पोस्ट किया। इस पोस्ट की वजह से मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुंची है। आरोप मनगढ़ंत, झूठे, बेबुनियाद और सत्य से परे हैं। दरभंगा में बीजेपी के दो विधायकों के आमने सामने होने के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी विरोधी दलों को जहां हमलावर होने का मौका मिल गया है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि मामले की जांच चल रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। बयान अपने आप में प्रमाणित करता है कि बीजेपी के लोग बिहार में किस तरह से शराब कारोबार में संलग्न है और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि ये लोग बिहार में अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं और जो ये सरकार है, सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कारोबार कर रहे हैं। दो विधायकों का आपस में भिड़ना या उनके परिवार को भिड़ना स्वाभाविक है। जब पिछले दिनों आप देखे होइएगा बिहार में सरकार थी और भाजपा कोटे के जो मंत्री थे उनके भाई के स्कूल में ट्रक के ट्रक शराब का खेप मिला और आज एक विधायक भाजपा के दूसरे विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, अब प्रमाणित कर रहे हैं कि शराब के कारोबार करते हैं। भाजपा के लोग एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं, या यूं कह लीजिए कि एक दूसरे की सच्चाई बयां कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों ये लोग शराबबंदी के शुरू से खिलाफ रहे। खैर, मामला दर्ज हुआ है और ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां सघन जांच होगी और जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मामले पर मीडिया के माध्यम से पार्टी को जानकारी मिली है। पार्टी जो है अपने संगठन के माध्यम से इसकी जांच करा रही है कि सच्चाई क्या है, मामला कहाँ क्या है और क्यों इस तरह का मामला है कि नहीं है और क्या मामला है। इस मामला की सच्चाई को पता करके पार्टी उचित कार्रवाई और उचित निर्णय जो होगा वो करेगी अपने संगठन के माध्यम से। पार्टी जो है इस पर त्वरित जो है लगा हुआ। तो बड़ा रोचक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी के दो विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं और केवल भिड़े ही नहीं हैं, मामला कोर्ट कचहरी का हो गया है। थाने में बाजाब्ता FIR दर्ज करा दी गई है। नौबत यहां तक पहुंच गई है क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, बड़े नेताओं के लेवल पर इस तरह के मामलों को सुलझा लिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया।
ब्यूरो चीफ पटना हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रजनीश, जिन विधायकों को अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना था महागठबंधन से लड़ने के लिए, क्या हुआ है कि आपस में ही भिड़ गए हैं जबकि चुनावी साल है? देखिए, आपस में ही भिड़ गए हैं और जो भिड़ने का कारण है उसके पीछे शराब, जो कि बिहार में उसको लेकर बैन की स्थिति है, शराबबंदी है और आरोप भी यही है। और मुरारी मोहन झा की ओर से जो केवटी के बीजेपी के विधायक है, जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसमें उनकी छवि खराब करने को लेकर आरोप लगाए गए हैं अली नगर के जो बीजेपी विधायक हैं उनके लड़के पर, और सोशल मीडिया के जरिए असत्य से परे तथ्यहीन और कई सारे बेबुनियाद आरोप जो है वो लगाए गए हैं उनके अनुसार। तो अब ये मामला जो है वो पहुंच गया है थाने में, प्राथमिकी दर्ज हो गई है। लेकिन दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बिहार में, यानी महागठबंधन के घटक दल, वो लगातार अब हमलावर हैं और चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली जो पार्टी है उसकी ओर इशारा करके अब आईना दिखा रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी की किरकिरी हो रही है। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है इस मसले को लेकर, पार्टी क्या कुछ तथ्य है, वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, इसका पता लगाएगी और जो फीडबैक आएंगे उसके बाद ही पार्टी कुछ स्पष्ट तौर पे कह पाएगी या संगठन के स्तर पर उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा या कार्रवाई होगी या जो कुछ पार्टी जो संगत जो विधि संगत पार्टी के अनुसार बातें हैं वो होंगी। लेकिन लिहाजा अब चूंकि चुनावी वर्ष सामने में है और जो ऊर्जा लगानी चाहिए थी जनहित को गोलबंद करने को, जनहित के कामों को लेकर, आम जन को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर, जो यहाँ पे उनके विरोध के लोग हैं उन पर निशाना साधने को लेकर, उन पर सवाल उठाने को लेकर, लेकिन अपने ही पार्टी के लोग जो हैं अपने ही पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके से थाने पुलिस में उलझे हैं। तो ऐसे में अब विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो यहाँ पे सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी के विरोधी दल, वो अब और हमलावर हो गए हैं कि पहले भी शराबबंदी को लेकर कोई बड़ी घटना होती थी तो आरोप लगाए जाते थे कि बीजेपी के लोग इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देकर और जो ये पूरा जो मुहिम है उसको एक तरीके से कहे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के लोग कहते थे कि सत्ता के संरक्षण में ये सारा कुछ चल रहा है। तो अब एक बार फिर से महागठबंधन के लोगों को ये मौका मिल गया है कि शराब और तमाम सारी बातें और अवैध कारोबार संरक्षण की जो बात है वो बीजेपी के लोग जो है इससे भी साबित हो रहा है कि वो सीधा सीधा इससे मिले हुए हैं। और इसके पहले भी मुजफ्फरपुर का मामला एक बार फिर से वो उठा रहे हैं, जब रामसूरत राय मंत्री थे उनके भाई जो स्कूल में जिस तरीके से खेप पकड़ी गई थी, अब उसको लेकर भी निशाना साध रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो महागठबंधन के जो घटक दल है RJD, JDU, कांग्रेस, ये अब बीजेपी पर मुखर हो गए हैं हमले को लेकर इस घटना के बाद, और बीजेपी की किरकिरी हो रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी स्तर पर इसमें क्या कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है। लेकिन बहरहाल केवटी और अली नगर के जो बीजेपी के विधायक हैं उनके जो परिवार हैं आपस में जिस तरीके से थाने पुलिस की नौबत आ पहुंची है और आरोप भी बेहद संगीन है, गंभीर है, तो ऐसे में अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है और राजनीतिक बयान भी इस पर शुरू है। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी के दो विधायक इस वक्त आमने सामने हैं और केवल आमने सामने ही नहीं है, नौबत कोर्ट कचहरी तक का यहां पर पहुंच चुका है। और वक्त है ब्रेक का।